निर्माण इतना सुंदर हमारी सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, तमाम अभी प्रीति ने बताया आपको कि तमाम सुविधाएं मिल रही है। आप लोहानी का बिल नहीं भरा आपने क्योंकि आए नहीं, जितने फ्लैट इंटू 20,000 उतना पानी फ्री था। तो अगर 2,000 रुपए महीने भी पानी का बिल चाहो तो 25,000 रुपए हो गए, 24,000 इस साल के, 10 साल कितने हो गए, 2,40,000। सबको फायदा हुआ, इसको भी फायदा हुआ और गरीब को भी फायदा हुआ। ये सब जितनी आपको जो सुविधाएं मिल रही है सारी बंद हो जाएंगी, ये सारी बंद कर देंगे, देख लेना आप लोग। और ये दिल्ली के लोग जानते हैं 2025 में अगला रिकॉर्ड 70 में 70 सीटें। और आज ये बताते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है कि आप सबके सहयोग से, आपके प्यार से, आपके समर्थन से, आपकी दुआओं और आशीर्वाद से हमारी विधानसभा, आपकी अपनी त्रिनगर विधानसभा आज नंबर 1 विधानसभा बन चुकी है। ये बात चुनाव है, हमको चुनाव में जाना है कि नहीं जाना है, मतलब जाना है, सब लोग हाथ दोनों हाथ खड़े कर दो सब लोग। नमस्कार, मैं आरके जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूं सकुरपुर गांव में और आज यहां पे उद्घाटन करने पहुंचे हैं तोमर साहब। क्या उद्घाटन किया है तोमर साहब आज यहां पर? देखिए, ये हमारा सकुरपुर गांव है और उस पर जहां मैं अभी बैठा हूं, जहां हम लोग बैठे हुए हैं, ये है हमारा प्राचीन कुआं यहाँ का। तो तमाम जो सकुरपुर के लोग हैं उनकी आस्था इससे जुड़ी हुई है, इसकी भावनाएँ जुड़ी हुई हैं। यहाँ पर कुआ पूजन होता है, सैकड़ों साल पुराना कुआ है, यहाँ कुआ था ये यहाँ पर, और तमाम जो गांव के लोग हैं उनके किसी भी कार्यक्रम में कुआ पूजन का कार्यक्रम यहीं पे आज भी यहीं होता है। तो करीब 1.5 साल पहले मैं यहाँ पे आया था, तो यहाँ के भाई सुनील भाई हमारे मित्र हैं पुराने, सुनील स्वामी जी, इनका घर बिल्कुल सामने है। ये बोले ये करके दिखाओ तो बताएं, तो मैं कहा करके दिखाऊंगा, बता आप देना। और बहुत खुशी की बात है आज कि ये बन गया है और सब लोग बहुत खुश हैं और बहुत शानदार ग्रेनाइट का पत्थर लगवा के इसको यहाँ इसका वीडियोग्राफी कराया है। तमाम लोग यहाँ गांव के आए, आज यहाँ पर सब लोग इकट्ठे हुए, बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया, तो उद्घाटन ये था। अगर बात किया जाए सकुरपुर गांव की तो यहाँ पे क्या क्या काम हुए? देखिए, दो चीज़ें हैं, बता दूँ आपको मैं, काम लगातार होते रहते हैं और काम आते जाते रहते हैं। किसी भी सड़क गली की जो समय होता है वो 6-7 साल का होता है, वैसे 5 साल में कानूनन हम द्वारा बना सकते हैं लेकिन 6-7 साल चल जाती है, 7-8 साल। और जब हम 2015 में जब हम लोग आए थे यहाँ पर विधायक बने थे तो करीब करीब सारी गलियाँ बनाई थी। सबसे पहले वो ड्रम वाली जो मार्केट रोड थी जो 4 खंभा से सीधी जाती है बाहर, मैंने विधायक बनने के तुरंत बाद उसका उद्घाटन किया था, सबसे पहली सड़क भी बनाई थी। उसके बाद बहुत सारी सड़कें बनाई, बहुत सारी सीवर की लाइन चेंज कराई, बहुत सारी पानी की लाइन चेंज कराई, लाइटें लगवाई, कैमरे लगवाए, ठीक है, जो बेहतरीन से बेहतरीन काम कर सकते हैं वो किए। इस बीच में क्या होता है कि जब 5-6-7-8 साल, अब तो 9 साल हो गए, तो उसमें कभी कोई खुदाई हो गई, कभी पानी की लाइन बदल गई, कभी सीवर की लाइन किसी ने अपनी खोला, तो गलियाँ ख़राब हो जाती हैं, दोबारा फिर ख़राब हो गई। लगातार जारी है काम, अभी बहुत सारे आने वाले 3 महीने में कई सारी गलियाँ यहाँ पे जो हैं जिनका मैं उद्घाटन करूँगा और ये बनेंगी यहाँ पे हम लोग। और पानी की लाइन हमने खूब डाली यहाँ पे, काम लगातार जारी है। एक बहुत ऐतिहासिक काम यहाँ जो गांव में हमने किया वो ये किया, यहाँ का दादा देवता मंदिर है जो रिंग रोड से उस पार है बटानिया चौक पर, तो जो यहाँ से उसकी एंट्री है रिंग रोड से इस तरफ, तो 50-60 साल पहले या उससे भी शायद पहले होगी वो सुरंग हुआ करती थी नीचे से, उस सुरंग से मंदिर की कनेक्टिविटी थी, वहाँ से जाया करते थे। लेकिन अब वो बहुत डेंजरस हो गई इतने सालों के बाद, 50-100 साल के बाद उस सुरंग का क्या, वो गिरनी शुरू हो गई, कभी कोई हादसा हो सकता था, प्लस बारिश के अंदर 2 फुट पानी भर जाता था उसके अंदर, बड़ा मुश्किल था। तो तमाम लोग जो गांव के थे, जब मैं पहली बार जब बना था विधायक 2015 में, तो जो पहली मीटिंग हुई तो उन्होंने लोगों ने यहाँ के कहा कि भाई बहुत बड़ा चैलेंज है, क्या आप उसे कर पाओगे? मैंने कहा कोशिश करेंगे, बताइए। बोले अब तक कोई कर नहीं पाया, बड़े बड़े विधायक आए, बड़े ताकतवर विधायक आके चले गए यहाँ पे और उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि साहब रिंग रोड है, रिंग रोड पे फ्लाईओवर बना हुआ है, फ्लाईओवर के ऊपर से इतने ऊपर से फुटओवर भी बन नहीं सकता, फिजिबल नहीं है। बार बार वो लोग आए, बार बार उन्होंने यहाँ पे वो देखी टेक्निकल फिजिबिलिटी और वो बना कर दिया। मैंने कहा मैं कोशिश करूँगा, बहुत खुशी से, बहुत गर्व के साथ कहना पड़ रहा है मुझे कि बहुत शानदार फुटओवर ब्रिज वहाँ बना हुआ है, लिफ्ट लगी हुई है, बहुत शानदार फुटओवर ब्रिज है, बहुत शानदार लाइट लगी हुई है। तमाम हज़ारों लोग जो गांव में, एक हमारे पास गांव के अंदर ना जो आमदनी का जरिया है वो है मकान जो किराए पे, तो किराएदार बहुत रहते हैं हमारे यहाँ,
कई हज़ार किराएदार, दसियों हज़ार किराएदार रहते हैं यहाँ पे, तो वो किराएदार तमाम नौकरी करते हैं लॉन्स और निश एरिया में, फैक्ट्री में जाते हैं, तो वो सब उनको बहुत आसानी हो गई है। फुट ओवर ब्रिज से जाते आते हैं, वहाँ से सब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, गाँव के लोग जो जाते हैं अपने मंदिर के लिए, दया देवता मंदिर में, उनके लिए आसानी हो गई। तो एक बहुत ऐतिहासिक काम यहाँ पर ये हुआ है, बाकी सब रूटीन में काम चल रहे हैं, सब चीज़ें बढ़िया। मुख्यमंत्री आतिशी के बगल वाली जो खाली कुर्सी है उसको लेकर भाजपा लगातार तंज कस रही है, तो भगवान राम को भी तंज कस कसे वो, तो वैसे तो राम का नाम लेते नहीं है वो, जब से राम ने बर्बाद कर दिया उनको, ठीक है 442 पे ले आए भगवान राम अयोध्या में, जब से उन्होंने हरवाया, आपको याद होगा मैं बताता हूँ आपको, पहले पूरे भाजपा के लोग जय श्री राम करते हुए बड़े गर्वान्वित महसूस होते थे, अब मैं कहीं जाता हूँ और वहाँ होते मैं बोलता हूँ जय श्री राम, तो जवाब नहीं देते वो। सेम क्या हुआ कि नरेंद्र मोदी जी की जब पहली जीतने के बाद, जब वो प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री बनने से पहले जिस दिन घोषणा हुई चुनाव की जीतने की 240 सीटों के साथ सही लंगड़ी सरकार के साथ, तो जब अपने मुख्यालय गए तो जब उन्होंने अपना भाषण शुरू किया तो उन्होंने बोला जय जगन्नाथ, तो मैं बड़ा अजीब सा था, मैं कहा ये जय श्रीराम करने वाला आदमी जय जगन्नाथ, तो उन्होंने छोड़ दिया राम, राम को छोड़ दिया, तो राम को कोसे वो। अगर उस समय भरत ने श्री राम की खड़ाऊँ रखकर 4 साल तक अयोध्या को चलाया था, तो अगर 4 महीने आसी अगर उनकी कुर्सी रख के चला देंगी तो राजसी को कोसने के बजाय भरत को कोसो, उनको राम जी को कोसो, लक्ष्मण जी को कोसो, भाई क्यों अपने आप जो जो हमारे वो मर्यादा पुरुषम श्री राम है उन, और भरत ने तो अच्छा काम किया था उसको कोसो भाई, जितना कोसना है आसी क्यों कोस रहे हो, वो तो बेचारी वही कर रही है जो जो हमारे संस्कार है। गली का, सड़क का, सीवर का, पानी का, जहां जहां जो जहां भी लगा हुआ वो काम किया। अभी इस बार मैं मानता हूं इस बात को, इस बार बारिश ने बहुत तंग किया, जो पहली बारिश हुई जून के अंदर 29 जून के अंदर उसने 88 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, तमाम अर्थ जो सीवर व्यवस्था थी वो शर्मा गई क्योंकि गांव के अंदर नालियां नहीं है। विनोद जी आप बड़ी वो चलाते हो जैसी अपनी वो नालियां है गांव में नहीं है ना, सब मैं ही ढोता हूं, मतलब मेरे सीवर में जाता है सब, पता है ना, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हुई। अगले 15 दिन में अब क्योंकि बारिश का आज का भी है, 5 दिन पहले फोरकास्ट था कि 5 दिन बाद बारिश होगी, तो लगता है कि आज रात को हो सकता है बूंदाबांदी हो, तो अभी तक बारिश भी चाली छोड़ रही, एक बार 88 साल का रिकॉर्ड टूटा इस बार में, एक बार 40 साल का टूटा, और अब अभी जो ये रिकॉर्ड तो पता नहीं कब से टूट रहा कि सितंबर में बारिश कभी हुआ नहीं करती थी, अब पूरा सितंबर निकलने को हो रहा है लेकिन बारिश हो रही है, उसमें से आपको थोड़ी सी दिक्कत हुई है, अगले 15 दिन में बिल्कुल नॉर्मल कर देंगे सारा सिस्टम, पूरे गाँव में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, जो आपका सीवर का सीवर सिस्टम है वो एकदम दुरुस्त हो जाएगा, फर्स्ट क्लास हो जाएगा। एक ट्रॉली स्पेशल लगवाई मैंने वहां पे यादव मार्केट पे, जब मुझे लगा कि आप लोग दिक्कत में है, तो 15 दिन दीजिए मुझे, 15 दिन के बाद आपका जो सीवेज सिस्टम होगा बहुत शानदार होगा, आएगा मैं फिर यहाँ आपके बीच में आऊंगा, आप मुझे दिखाइएगा। हाँ वो लगवा दे, वो परमानेंट कर दिया, बिजली लगवा दी वहां पे, अब बिजली काम खत्म कर दिया, मीटर लगवा दिया वहां पे। एक बड़ा चंबा होगा जब दिल्ली के चुनाव के नतीजे आएंगे फरवरी के अंदर 11-12 फरवरी को, तो आप देखना 70 में 70 सीट दिल्ली के लोग देने जा रहे हैं, सरकार एक बार देखिए। और कहना चाहता हूं लोगों से जो अभी 8 पर है वो सपना लेना बंद कर देंगे 36 हो जाएंगी, और जो 0 पर है उनको तो सपना लेने के लिए 10 साल अभी छोड़ दे, दोनों को कहना चाहता हूं, जो 8 पर है वो 36 पे जाने का सपना लेना फायदा नहीं है उसका, जो 0 पर वो जाना चल रहे, जो 0 पर वो कहते हैं हम 36 कर देंगे, हम कहते हैं कि हमने 66 करके दिखाई, हमने 62 दिखाई, हमने 66 दिखाई, अब की बार हम 70 दिखाएंगे, ये हम कह रहे हैं। एक बार दिल्ली को लोगों को समझ आ रही है अच्छी तरीके से, ये क्यों किया है नरेंद्र मोदी ने, भारतीय जनता पार्टी ने इसलिए किया ये कि किसी तरह से केजरीवाल को हटाओ, क्योंकि वो लोग दिल्ली की जनता से नफरत करते हैं, उन्होंने कई बार कहा है कि दिल्ली के लोग मुफ्त हो रहे हैं, मुफ्त का माल चाहिए इनको, इसलिए हमको वोट नहीं देते हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली के लोग जानते हैं इस बात को कि अगर अरविंद केजरीवाल को अगली बार मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो आपकी तमाम सुविधाएं, चाहे वो बिजली फ्री है 200 यूनिट तक, चाहे 400 यूनिट तक बिजली हाफ है, चाहे आपका 20 लीटर पानी माफ है, चाहे आपकी महिलाओं की यात्रा फ्री है, चाहे आपकी तीर्थ यात्रा फ्री है, चाहे अस्पताल में इलाज फ्री है, चाहे स्कूल में पढ़ाई फ्री है, ये सब जितनी आपको जो सुविधाएं मिल रही है सारी बंद हो जाएंगी, ये सारी बंद कर देंगे, देख लेना आप लोग, और ये दिल्ली के लोग जानते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि दिल्ली के लोग इस बार 70 सीट देके एक रिकॉर्ड स्थापित करेंगे पूरी दुनिया के अंदर, कि पहले 66 का रिकॉर्ड
आम आदमी पार्टी के नाम, अरविंद केजरीवाल के नाम, और अब 2025 में अगला रिकॉर्ड 70 में 70 सीटें। अब की विधानसभा नंबर 120 इसलिए बन चुकी है कि यहाँ एक ऐसा व्यक्ति है जो आपका 24 घंटे फोन उठाता है और आपकी समस्या का समाधान करता है, और ऐसी अवेलेबिलिटी ना किसी विधानसभा में आपको मिलेगी, ना किसी पार्टी या सरकार में आपको मिलेगी। यहाँ हर कोई भी व्यक्ति आ जाए, हम कभी किसी से ये नहीं पूछते ऑफिस में कि आप किस पार्टी के हैं, क्यों आए हैं, बस आपका काम होना चाहिए, हमें इससे मतलब है। ऐसी सुविधा और ऐसा व्यवहार आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, तो इस बात पे सब लोग, मुझे लगता है तालियां तो बनती हैं सबकी। कुछ सरकारों के द्वारा हमारी सरकार के लिए कहा गया कि फ्री की रेवड़ियां देते हैं, फ्री की रेवड़ियां, तो आप भी दे लीजिए फ्री की रेवड़ियां, मना किसने किया है। लेकिन इसके लिए नियत साफ होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए जनता के प्रति। फ्री की रेवड़ियों से मतलब है कि हमने आपको फ्री बिजली दी, फ्री पानी दिया, फ्री शिक्षा दी, इलाज दिया, महिलाओं का बस में सफर फ्री किया, बुजुर्गों को यात्रा कराई, और अब एक महिलाओं के लिए मेरी बहुत बड़ी खुशखबरी जो मैं देने जा रही हूँ कि 1000 रुपए की स्कीम हर महीने जो आपके अकाउंट में आएंगे बहुत जल्दी लागू होने वाली है। आप जानते हैं कि 2020 और 21 में जो कोविड आया, कोरोना काल, जो भगवान ना करे कि शायद दोबारा कभी आए, जिन्होंने बहुत लोगों ने अपने पराये को खोया उस वक्त, लेकिन उस वक्त भी अपनी जान की परवाह ना करते हुए आपके तोमर जी 17 से 18 घंटे आपके बीच रहे, हजारों लोगों को राशन बांटा, खाना खिलाया और हर तरह की सुविधा उस वक्त दी। तो ऐसा जो है उदाहरण आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारी पार्टी देखिए काम की राजनीति करती है। सीधी सी बात करते हैं कि काम करेंगे तो आप वोट देना, काम नहीं करेंगे तो आप वोट नहीं देना। आज 10 साल होने को है, हम लोग सिर्फ आपसे ये पूछना चाहते हैं कि अगर आपको लगता है कि हम आपके साथ रहे हैं, आपका काम किया है, आपकी विधानसभा का विकास किया है, आपके वार्ड का विकास किया है, आपके गली मोहल्ले का विकास किया है, तो आप अगर चाहते हैं तो हम आगे चुनाव में आएंगे। अगर आपको लगता है कि हमने ऐसा नहीं किया है तो हम नहीं आएंगे। आप अपना अपनी राय या समर्थन ताली बजा के कर सकते हैं, हाथ खड़े करके कर सकते हैं, आपकी इच्छा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, जय हिंद। अब चर्चा जारी रहेगी आपके अपने तोमर जी के साथ। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।